ऐसा लग रहा है किसी लॉन में आई हूँ। महाराजा के पास आया हूँ महारानी के बर्थडे मनाने। जॉनी कहाँ गया? जॉनी कहाँ चला गया अचानक से? जॉनी कहाँ है? महाराजा है कौन? शिवरा का बर्थडे। सब बोले किसका बर्थडे? शिवरा का बर्थडे। आज है सिमरा का बर्थडे। किसका बर्थडे? सिमरा का बर्थडे। किसका बर्थडे? सिमरा का बर्थडे। सब बोले किसका बर्थडे? सिमरा का बर्थडे। खैर, सिमरा का बर्थडे है और आज हम इसे बिल्कुल भी प्रोटोकॉल नहीं देने वाले। वैसे ये बात सच है तो नहीं दे रहा, झूठी बात नहीं। इसे पूरा मैंने आज स्टाइल करा है। ओके, और इस बढ़ाई को किसी ने स्टाइल करा है, बम्पर डाल इसके सर में पटाखा हमने फाड़ दिया था तो स्टाइल हो गई है। सिमरन ने मनाहिल ने उसे सैंडविच ला के दिया, जो बनाया नपिया ने मनाहिल ने सिर्फ ला कर दिया है, और ये सिर्फ भूख लग रही थी तो इसने कहा कि मुझे वो दे दो। थैंक्स। मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी बिल्कुल, और सर आ चुके हैं तो बच्चे गए हुए हैं पढ़ने सर के पास, सारे दोनों को हमने बिठा दिया। सबसे पहले तो आप लोग वो जाके चेक करें जो हमने रात को विश करा था सिमरा को एट 12 AM। सो यू गाइस जस्ट चेक दैट आउट। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं इंतजार कर रही थी कब से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मार दिया भैर खोपड़ी जुलम हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों कर रहे हो उसके साथ? नहीं सिमरा अब बड़े हो गए। सुन सैंडी, हैप्पी बर्थडे, अब बड़े हो गए। अब हैप्पी बर्थडे टू मी, मैं बड़ी हो गई हूँ। ये गाइस नॉर्मल रूटीन है लोगों की रात की। गाइस यहाँ पे इनका बिस्तर भी लग चुका है, इनका हमने रूम कर दिया है अलग। एकदम मासूम बकरी बन जाएगा। यहाँ रिवील हो रहे हैं सारे जॉनी, एक्सपोज हो रहे हैं सारे जॉनी की हरकतें सिमरा की बर्थडे वाले दिन। फंडे हो रहे, फंडे हो रहे हैं। देखे हम अगली भी दुआ करना बाजी, मेरी फ्यूचर के लिए दुआ करना बाजी। सब मेरी बहन सबको मिलेगा, सबने दुआएं लिखवाए यहाँ पे, सबको मिलेगा। ये हमारी बाजी है, हम इनसे बोलते हैं दुआ करें, हम खुद भी दुआ करते हैं। बच्चों के एक एक पेपर का ग्रेड में वो मुझे बता दे, मैं उनके लिए दुआ कर देती हूँ। नहीं तुम्हें चिर करे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका तो क्लियर हो गया। डॉल जैसी बेटी है मेरी, अल्लाह इतनी खुश है मुझे। पावर गर्ल्स है मेरी, माशाल्लाह से पावर गर्ल्स। ओ माय गॉड, वैसे हमारे पास ही अभी पावर गर्ल्स कौन सी थी? ब्लॉसम, बटरकप और बबल्स। बदमानुस होती है जो उनका दुश्मन, नहीं बंदर होता है वो बंदर, नहीं नहीं ना, उसके बाप एड में पर्पल कलर की, पर्पल कलर की बना देता है तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ और बनाता है, लेकिन वो बड़ी सी डॉल बन जाती है पर्पल कलर की। मनाइल वो है चौथी बहन उनकी। हाँ चौथी बहन होती है उनकी, वो निकल गई था नहीं नहीं बेटा कुर्सी खसका रहे हैं वहाँ पे नहीं हो रहा। मैं भी सलन सर फाड़ने जा रही हूँ बाइक पे अपनी बहन को लेकर, शायद फट चुका है बर्थडे में मैंने
कि भाई ब्यूटी स्पॉट निकाला है मेरे, पियर्सिंग करी है ना यहाँ पे भी, हम लोग ट्राई कर रहे थे पियर्सिंग, यहाँ से नथ निकाल के पहनूंगी अब कोई इंस्पायर्ड होना चाहता तो हो जाए, यहाँ से नथ निकाल के पहने एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बर्दाश्त नहीं होता ना यहाँ पे भी कर लिया, आप लोग भी कर ले गाइस, सब जो अफ्रीकन होते हैं ना ये तो अब यहाँ से नाक छिदवाते हैं, नबिया छिदवाएगी ना बड़ी हो जाएगी अफ्रीकन तो छेद ज्यादा करवाते हैं गाइस, मैं अपनी ये नॉर्मल वाली पियर्सिंग नहीं करवा रही, नोज रिंग की नबिया भी डायरेक्ट यहाँ की कराएंगी, यहाँ की बीच में से हड्डी में से, ओ खतरनाक गाइस बहुत हो गया। Hey guys, बाकी के सीन्स आपको सुबह पता चलेंगे, तो स्टेज क्यों रहे हैं, ओके ये देखें भाई मिरेकल हो रहा है आज तो, मेरी जगह नबी है, मेहनत कर रही है, सैंडविच खिला रही है अपने माँ बाप को बना के, यार मेरे लिए बना दो ना, आज ये बना रही है, कौन सा सैंडविच बना रही हूँ, $50 मैं खुद ही बना के खा लूँ, ये ₹5 ठीक है अगले 2 साल तक के $50 कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में, कर लो पहले कर लो, अब तो ये ढलेगा जान, पता तो टीम तो देख। Anyways guys, here we are all set to go, so we are just leaving. आउटफिट ही बोलती हूँ, ये रहा इसका, और ये सिमरा का बर्थडे कल का, उसके तो नखरे ही नहीं मिल रहे आज, ये देख सकते हैं आप स्टाइल बाइक, और हाँ वो बैठी हुई गाड़ी में और गेम खेल रही है, देखें सबवे सर्फर खेल रही है, बड़ी ही नहीं होके दे रही है ये लड़कियां तो, पता नहीं क्या लगाए रखा है, समझ ही नहीं आती है इन लोगों को, निकलने का टाइम है तो तुम अंदर चली गई, शो मजा रखेंगे, चलने 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 के टाइम सब एनर्जी बोलो ना, रोड पर उठा के हम इसका केक काटते हैं, मैं फुल बनना तू तारा सजना कल्ला देखो हमारा सजना, चलो हादे भाई तुम करती थी मैं करती थी व्हाट यू मीन करती थी करती हूँ मैं तो, इट्स माय हॉबी 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 नो बी, हियर्स माय फिट ऑफ द डे, फिट ऑफ टुनाइट, बहुत ही प्यारी पोनी है ये, मन्नू की अम्मी है, और हमें देख के कोई कैसे बचाने का, हमारी अम्मी हो कैसे बोलेगा कोई, मेरे तो स्ट्रेट है बाल नहीं अब्बू के बाल स्ट्रेट है तो मेरी भी स्ट्रेट है, इसी देखे नीचे हमारी बिल्ली ने बच्चे दिए इसने, और इतने क्यूट क्यूट से सब नीचे छुपे हुए, कहाँ है ये जगह, ये क्या डर रहे, इतना डर रही है तो कितने कैसे भाग रहे बेचारे, डर रहे और मुझे भी डरा रहे, मैडम आपने बड़े क्यूट क्यूट से बच्चे दिए, थैंक्स, ओ बुरा 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 छोटा सा क्यूट, तो गाइस हम बस निकलते हैं अब, गाइस अब हम मेरे बर्थडे का केक लेने के लिए लगाती हूँ आए हैं,처음 본 순간부터 눈을 뗄 수가 없었어 이 세상 하나뿐 사랑이란 단어로 섬도 아닌 섬을 타며 행복한 줄로 केक ले लिया है, अच्छा नाजुक है नाजुक है आ गए बच्चे, सो गाइस ये केक लेकर आ गए हैं लगेज से आज, और जानी तो आज प्रोफेसर बने हुए हैं, गलत जगह कोने में बैठा, बर्थडे तो कोने में बैठा हो, यहाँ पे दो कैमरे अच्छे थे केक, मैंने वीडियो बनाई, और वहाँ पे ना
बादाम वाला भी केक था, बादाम वाला तो नहीं ले लिया। नहीं नहीं अच्छा लिया, ले ली थी मेरे लिए। मैंने तुम्हारे लिए व्हाइट और चॉकलेट, मैंने तुम्हारे लिए वो रिकॉर्ड किया है। बताओ कच्चा बादाम खाएंगी ये? कितना भी देख के कहीं बादाम देख के मोबाइल में खा जाए। मैंने पैदा किया, मैं जमीन पे बैठूं? जमीन से मतलब टेबल पे बैठ जाती है, जमीन होगी टेबल पे, मेरे भी पैदा हुआ तो वहां पे जो है ना फिर आराम से बच्चों के साथ पेरेंट्स की भी बर्थडे आती है। सबसे पहले स्टार्ट होती है जनवरी, तो इसलिए मेरी बर्थडे धूमधाम से मनती है। धूमधाम से ढोल वगैरह वालों को बुलाते हैं, हम कहते हैं भाई नव सिमरा की बर्थडे। खतरनाक बच्चे पैदा हुए तो अम्मी को सलाम इनडायरेक्टली महीना तो मेरा बड़ा है। गाइस हम सब ऐसे बैठते हैं, ऐसे 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 बैठते हैं, बेजगह पे बैठ गई है। बस चलो जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बचपन से सेटिंग बनी हुई है। फाइनली हम लोग महाराजा पहुंच चुके हैं महारानी की बर्थडे मनाने। अभी महाराजा के पास आया महारानी की बर्थडे मनाने। The royal. ये हाँ महाराजा है। महाराजा में खुशामदीद, छोटे नवाब साहब को क्या चीज यहाँ पे जानते हैं ना। ऐसा लग रहा है किसी लॉन में आई हूँ। सॉरी तो बड़े क्यूट लग रहे हो प्रोफेसर। हम आ चुके हैं महाराजा पे, बता दिया है ओके। और यहाँ पे ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है। आधे साथ लाइक यार ये कैसे प्रिंसेस महारानी महाराजा के पास आया महारानी की बर्थडे मनाने। महाराजा यहाँ पे दिखेगा नहीं और गाइस ये ठीक है, वो महाराजा के अंदर बैठे हैं, वैसे महाराजा दिखेगा नहीं। गाइस ये सीक्रेट बात है, महाराजा है कौन? मैं सारी बराई तो है छोटे मैं हूँ ना। फालतू की बात करती है, फालतू की गाइस द एम्बियंस इज टू गुड लाइक सो एस्थेटिक टाइप एट एलिगेंस आई नेवर एवर सीन दिस टाइप ऑफ एम्बियंस इन माय लाइफ। तू भी ओवर एक्टिंग करता है साला। एंग्री बर्ड चिकन, एंग्री बर्ड तो मैं एंग्री बर्ड जैसी बनी हुई, एंग्री बर्ड चिकन मंगवा लो। सोनिया बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, हम कह रहे हैं सब पिक्चर्स में जा रहे हैं चल लो साथ में। नहीं समझ रहे सेलिब्रिटी महाराजा में आए तो क्या मतलब, महाराजा ही बोले क्या? महाराजा में आगे जोनी महाराजा जिसमें बोलता है मैं राजा हूँ, मैं क्या बोलते हैं मैं बादशाह हूँ। गाइस ये देख सकते हैं मेरे अबू का आउटफिट ऑफ द डे, कैसे अबू लग रहे हैं डैशिंग से यार, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग। और मेरी अम्मी को भी देख सकते हैं, अम्मी के तो एक्शन ही नहीं मिलते, जिस दिन अम्मी अच्छी लग रही होती है ना बिल्कुल तैयार हो जाती है। भूल जाती है कि मेरी बेटियां भी पर मम्मी आप हॉल लुक में प्यारी लगती है हर लिहाज से। अपने बाप के होटल में आए हैं, चलो महाराजी आई है ना वो अलग बात है। आउटफिट वेस्टर्न पहने हुए हमने, बट थीम ऐसी है मुगलाई, आई लाइक इट। अल्लाह गाइस हम लोग इस अलमारी से महाराजा की अलमारी में से सुमरा मिली हम लोग। सुमरा को डर लग रहा है, आउटफिट पहनना है, ये आउटफिट बहुत छोटा है। क्लोज सेट होता है ना वार्डरोब का, वैसे लग रहा है। जॉनी कहाँ गया? जॉनी कहाँ चला गया अचानक से? हाँ जॉनी कहाँ है? जॉनी कहाँ है? जॉनी कहाँ है? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है जॉनी तो यहाँ एक खड़ा हो गया शब्बो। हाँ जॉनी लोगों को मैं नहीं पसंद थी ना, मैं
ठीक है, यहाँ से मन करेगा मनाहिल किसी और वर्ल्ड में चली जाएगी। यहाँ मेरी अम्मी भी आ गई है। कौन है यहाँ से हमको ये बेटी मिली है आपकी, ये महारानी मिली है हम लोगों को यहाँ से। वो तो ना पिक्चर्स के जाके गए मनाहिल के लिए, कितनी छोटी है। यहाँ सैंडविच आ गया है, यहाँ बर्गर और वो पास्ता भी इधर दे दो, हम टेस्ट करेंगे। पास्ता आ गया, ये बारबेक्यू प्लेटर है, वो चिल्लू कबाब है, वो अबू का स्टेक है, और ये है गाइस, ये है कढ़ाई चिकन। ठीक है, अब हम सब कुछ ट्राई करेंगे और आप लोगों को जरूर बताएंगे। गाइस ये लोग ने ओपनिंग कर दी है इस कबाब प्लेटर की। ठीक है, रोटी में खाना बड़ा ही शाही तौर पर है। Guys, तो सबसे पहले मैं पास्ता टेस्ट करूंगी, सबने तभी नहीं खा लिया, और मैं बना रही थी वीडियो तब भी नहीं खा पाई बेचारी। बर्गर बहुत मजे का इनका, आज पहले खा लिया खा लिया। बर्गर बहुत मजे का गाइस इनका, टमाटर के बर्गर। ओ भाई 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 अभी तो एक नहीं। पास्ता कौन सा था? पेचियोनी टोमेटो। इतना वो एक्सपेंसिव नाम, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है इसका गाइस। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और खाना बहुत मजे का था गाइस, बता ही सकती आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, बट खाना वाज डिलीशियस। ठीक है ना, गुड वर्ड डिलीशियस, 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज़ थोड़ा सा स्पाइसी था बट चलेगा चलेगा। स्पाइसी सिर्फ ये था, कहां गया ये छोटा वाला, ये था गाइस, ये स्पाइसी तड़का लगा दिया इसने। गाइस मैं आपको जर्मन में बोल नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आया। द फूड इज जोलिका जोलिका, बाकी सब इंग्लिश में। देयरफॉर जोलिका यार, ये अटक गया सड़ा। गाइस एक्चुअली मैं 2 को जू बोल रहा हूं, सो ये 2 जू पूरा बोल के बता दिया। आज दिस एसेंस इज जू लेकर, आई सम समझ आ गया। ठीक है, समझ गया। खाना बहुत मजे का था, हमने काफी कुछ मंगवा लिया था और काफी कुछ पार्सल भी होने वाला है अभी लेफ्ट ओवर। नविया क्रिंज डांस कर रही है इस टाइम बहुत ही ज्यादा। अब बस केक और काटेंगे और सारिंग पे टेंट्रम्स खत्म नहीं हो रहे गाइस इस टाइम, और अब वो की बम्बास्टिक साइड आई दे रहे हैं अब से, पर वो उसके टेंट्रम्स खत्म नहीं हो रहे। बस इनकी जिंदगी फ्राइज और बर्गर से शुरू होती है और खत्म होती है, और कुछ नहीं। इन पर वो फेस बना लो और फिर इतने प्यारे प्यारे लगेंगे, गिट्टे यू यू होते और आएंगे गाइस। तुम्हें कैसा लगा जानी खाना? 10 आउट ऑफ 10। अबू कैसा लगा खाना? फैंटास्टिक, और ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत खाना बहुत अच्छा है और एम्बियंस भी बहुत अच्छा है और फूड क्वालिटी इज वेरी गुड एंड क्वांटिटी इज वेरी गुड। द प्रॉपर रिव्यू इज दिस। ओके, और अम्मी आप भी बता दें, आप भी साथ आई हुई, बताएं कैसा लगा? ज्यादातर तो ना मेरा एम्बियंस पे फोकस होता है। ठीक है, ये बात हुई ना, लजीज खाते ही रहते हैं, मैं अपने हाथ से बना के भी खा सकती हूं और मैं यहां ही, लेकिन यहां पे तो डबल हो गया ना भाई, खाना भी मजे का हो गया। हां, हैप्पी बर्थडे टू यू सिमरन। अच्छा, तो मेरा नसीब बहरिया के उधर पर था, जा केक काटा था खड़े देख, वो छेना के जहाँ पे रमजान थे, वो भी बहुत अच्छा था। जिस तरह
मेरी अपनी चॉइस थी वो। कहते हैं दिल का राजा हूँ अमीरी में गजल कहता हूँ और मैं अपने ही घर को ताज महल देता हूँ। चार तारे हैं मेरे वास्ते मेरे बच्चे और मैं अपने ही मिसेस को मुमताज महल देता हूँ। ओह माय गॉड वाह वाह लाइन ऑफ द डे। कहते हैं जमीन पे रोशनी है तो चांद की वजह से और बागों में खुशबू है तो फूलों की वजह से ये रोशनी और खुशबू सब अपनी जगह पर इस महफिल में रौनक है तो हमारी मैडम की वजह से। वाह 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 छोटे नवाब साहब जमाने भर में है घर की शान बेटी से और महकता रहे दिल का मान बेटी से ये जरूरी तो नहीं के नाम रोशन हो बेटे से हम सबके नबी का चला। बाबा क्या मजे की शायरी। थैंक यू गाइस। पीछे वाइब वाले गाने भी चल रहे हैं। बड़ा अच्छी वाइब, बहुत अच्छी है कि वाइब भी अलग होती है गाइस। वैसे से बड़ा मजा आ रहा है। सॉन्ग्स लगे हुए हैं ऐसे थोड़ी मध्यम आवाज में गाने, वैसे मध्यम आवाज में तो नहीं अच्छा खासा चल रहा है। कॉपीराइट को कवर करना आता है गाइस। जब मुझे पता है मेरे ब्लॉग पे कॉपीराइट आ सकता है, मैं एक अच्छी यूट्यूबर हूँ कि मेरे व्यूज आ रहे हैं, मुझे पता है हाउ टू कवर इट। पीछे गाने चल रहे हैं, डिनर कर लिया हम लोगों ने और ये जो इनका एम्बियंस है माय गॉड आई एम जस्ट इन लव विद दिस। सारे फेवरेट सॉन्ग लगे हुए मम्मी के। वैसे अंकल की प्लेलिस्ट अच्छी है, इसका अच्छी प्लेलिस्ट लगाई है अंकल ने। हमारी थीम अभी अब उन्होंने की थीम क्रिएट करी है हमारे पेरेंट्स ने। किस उसमें रखना है फ्लो में, इसकी तो पिक्चर से खत्म नहीं हो रही। अपने लिए मोबाइल मंगवाया था लेकिन बस यहाँ ये केक कटिंग हो गई है और इन सब ने पहले ही उसके बेचारे वो उठा लिए ब्लैक वाले रोजेस। गाइस यहाँ हीटर का भी इंतजाम है एज़ यू ऑल कैन सी। ये देखें भाई सुकून। और बस अब हम चलते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट गाइस द एम्बियंस द फूड क्वालिटी एंड एवरीथिंग वाज टू गुड एंड ऑन पॉइंट। आई जस्ट लव इट गाइस। So guys, we're back to home. It was a whole fantastic day, alhamdulillah. I just want to end this vlog with this, that whenever you see somebody happy, growing, succeeding in their life, so just don't forget to say mashallah, so they can rise and shine the way they are doing. It's just a general thing that comes in my mind, so I thought to share it with y'all. इनको समझ नहीं आया उनके लिए मैं बता देती हूँ। इट्स नॉट एम्बेसिंग दैट यू डोंट नो इंग्लिश, कि आप लोग को नहीं पता इंग्लिश, कुछ को नहीं पता तो देर इज नो शेम, यू कैन से इट। तो मैंने यही कहा कि आप लोग जब भी किसी को खुश देखें तो बस माशाल्लाह बोलना ना भूलें। सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम अकाउंट्स। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।